बच्चों, पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 10 मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड टू कंजिकेटिव नंबर्स हुज स्क्वायर्स हैव दशम 85, है ना। ये सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे वन के बाद टू आता है। तो लेट वन नंबर इज एक्स, सो अदर नंबर विल बी एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम है ना, वो 85 है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 85। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 85, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। अब 85 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 85 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 84 इक्वल टू 0। इसमें टू कॉमन आ गया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 24 जाए 22 जा 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0/2, है ना। जीरो को इधर ट्रांसफर करके जीरो से टू को इधर ट्रांसफर करके जीरो से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा जीरो। अब देखिए मिड टर्म स्प्लिट से अपने को माइनस 42 को ऐसा स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले 42 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो टू टू जा फोर, टू वन जा थ्री, है ना, थ्री सेवन जा 21 7। अब देखिए क्या आ गया अपने पास, थ्री टू थ्री और सेवन आ गया। इन तीनों डिजिट को इस ढंग से करना है कि जोड़ें हम लोग उसको, प्लस करें तो ये जो एक्स का कोफिशियंट भी आ जाए, मतलब वन आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट, माने माइनस 42 आ जाए। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स और सेवन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कामन आ गया, एक्स प्लस सेवन इस एक्स प्लस सेवन हो गया, और इसमें माइनस सिक्स कामन आ गया तो भी हो गया एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 0। तब हम लोग को एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसमें क्या होता है, या तो एक्स प्लस सेवन 0 होगा या एक्स माइनस सिक्स से 0 होगा। तो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 0, सो दैट एक्स इक्वल टू माइनस सेवन, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज, है ना, नहीं ये पॉसिबल है, एक्स इक्वल टू माइनस सेवन हो गया, है ना, और एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो दैट एक्स इक्वल टू 6। तो एक्स का दो वैल्यू आ गया, माइनस सेवन और 6। ठीक है, अब इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस सेवन देन द अदर नंबर इज, द अदर नंबर इज एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस सेवन प्लस वन इक्वल टू माइनस सिक्स, एंड इफ एक्स इक्वल टू सिक्स देन द अदर नंबर इज एक्स प्लस वन इक्वल टू सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन, सो द नंबर्स आर माइनस सेवन माइनस सिक्स एंड सिक्स सेवन। सो गाइस एंड स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।